चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। फिर खतरनाक हुआ हमास, इसराइल पर पलटवार, गाजा से दागे 30 रॉकेट, स्कूल भी आया निशाने पर। आपको बता दें कि इसराइल और हमास का युद्ध एक तरफा नहीं है। कुछ समय की खामोशी के बाद हमास ने इसराइल पर फिर बड़ा हमला कर दिया है। हमास ने गाजा पट्टी से इसराइल पर ताबड़तोड़ 30 रॉकेट छोड़े हैं। इनमें से एक मिसाइल का टुकड़ा इजरायली स्कूल पर भी जाकर गिरा। बौखलाए हमास ने हमले की वजह भी बताई है। अब तक इस जंग में 20,000 से करीब लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हमास इस जंग में अब तक इसराइल पर 12,000 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है। हमास के इस हमले से यह जंग संघर्ष विराम होने की बजाय और ज्यादा भड़कने के आसार हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। जंग के बीच अचानक इसराइल पहुंची डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका, बंधकों के परिवारों से की मुलाकात। आपको बता दें कि हमास के साथ जारी जंग के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप अपने पति जेरेड कुशनर के साथ इजराइल पहुंची हैं, जहां उन्होंने 7 अक्टूबर के हमलों से प्रभावित लोगों से मुलाकात की है। जानकारी के अनुसार इवांका और उसके पति गुरुवार यानी कि 21 दिसंबर को इजराइल में थे। इस दौरान इवांका ने गाजा पट्टी के पास किबो शहर का दौरा किया। हमास ने 7 अक्टूबर को किबो शहर पर हमला किया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। इवांका ट्रंप के पति जेरेड कुशनर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट अपने इजराइल पहुंचने की जानकारी दी है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। 4 महीने बाद भारत लौटी अंजू ने बेटे से की मुलाकात, प्रेमी नसरुल्लाह की बड़ी मुसीबतें। खबर निकलकर सामने आई है कि 4 महीने पहले भारत से पाकिस्तान जाने पर चर्चा में आई अंजू की आखिरकार अपने बेटे से मुलाकात हो ही गई। भिवाड़ी की अंजू ने अपने 2 बच्चों और पति को छोड़कर नसरुल्लाह से मिलने इस साल जुलाई पाकिस्तान चली गई थी। पाकिस्तान जाने के बाद अंजू ने अपने बच्चों से मिलने की इच्छा जताई थी और कहा था कि उसे अपने बच्चों की याद आ रही है। बता दें कि अंजू ने पाकिस्तान में 4 महीने से ज्यादा का समय गुजारा है, जिसके बाद वह 29 नवंबर को भारत लौटी। भारत आने के बाद उसने अपने बच्चों से मिलने की इच्छा जताई थी और अपने पति से बच्चों का मुंह दिखाने की बात भी कही थी। लेकिन 20 दिन तक अंजू बच्चों से मिलने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन आखिरकार उसकी अपने बेटे एरोन से मुलाकात हो ही गई। मिली जानकारी के अनुसार उसने बताया है कि वह अपने बेटे एरोन से मिली और वह उससे मिलकर बेहद खुश हुई। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को फिर भेजा समन, दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा है मामला। दरअसल दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से ईडी ने शुक्रवार यानी 22 दिसंबर को समन भेजा। ईडी ने केजरीवाल को भेजे तीसरे समन में सवाल जवाब करने के लिए 3 जनवरी को बुलाया है। ईडी ने इससे पहले सोमवार यानी 18 दिसंबर को सीएम केजरीवाल को दूसरा समन जारी किया था और कहा था कि 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए पेश हों। इस समन को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने राजनीति से प्रेरित करार दिया। ईडी ने ये समन ऐसे समय में जारी किया था जब वो 20 दिसंबर को विपश्यना के लिए रवाना होने वाले थे। इससे पहले केंद्रीय एजेंसी ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को समन भेजा था, लेकिन नोटिस को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। संजय सिंह को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उन्हें जमानत देने से भी इनकार कर दिया है। मनीष सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह को भी जमानत नहीं मिली। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका भी खारिज कर दी थी। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। 370 हटाने का जश्न मना रही बीजेपी, कौन करेगा जवानों की रक्षा? पुंछ आतंकी हमले पर संजय राउत ने मोदी सरकार से पूछा सवाल। खबर निकलकर सामने आई है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया है। हमले में 2 जवान घायल भी हुए हैं। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों की तलाश जारी है। इस आतंकी हमले को लेकर संजय राउत ने मोदी सरकार से सवाल भी पूछा है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर शिवसेना सांसद राउत ने कहा है कि ये बहुत गंभीर विषय है। यहाँ संसद में लोग घुसकर हमला करते हैं, उन्हें उसकी खबर नहीं है। वहीं कश्मीर में आतंकी घुसकर हमारे जवानों पर भी हमला करते हैं, उन्हें उसकी भी खबर नहीं है। कल का हमला पुलवामा हमले की पुनरावृत्ति भी हो सकता है। 370 हटाने का जश्न मना रहे जवानों की रक्षा कौन करेगा?
चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। फिर खतरनाक हुआ हमास, इजराइल पर पलटवार, गाजा से दागे 30 रॉकेट, स्कूल भी आया निशाने पर। आपको बता दें कि इजराइल और हमास का युद्ध एक तरफा नहीं है। कुछ समय की खामोशी के बाद हमास ने इजराइल पर फिर बड़ा हमला कर दिया है। हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर ताबड़तोड़ 30 रॉकेट छोड़े हैं। इनमें से एक मिसाइल का टुकड़ा इजरायली स्कूल पर भी जाकर गिरा। बौखलाए हमास ने हमले की वजह भी बताई है। अब तक इस जंग में 20,000 से करीब लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हमास इस जंग में अब तक इजराइल पर 12,000 से ज़्यादा मिसाइलें दाग चुका है। हमास के इस हमले से यह जंग संघर्ष विराम होने की बजाय और ज्यादा भड़कने के आसार हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। जंग के बीच अचानक इजराइल पहुंची डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका, बंधकों के परिवारों से की मुलाकात। आपको बता दें कि हमास के साथ जारी जंग के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप अपने पति जेरेड कुशनर के साथ इजराइल पहुंची हैं, जहां उन्होंने 7 अक्टूबर के हमलों से प्रभावित लोगों से मुलाकात की है। जानकारी के अनुसार इवांका और उसके पति गुरुवार यानी कि 21 दिसंबर को इजराइल में थे। इस दौरान इवांका ने गाजा पट्टी के पास किबो शहर का दौरा किया। हमास ने 7 अक्टूबर को किबो शहर पर हमला किया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। इवांका ट्रंप के पर जेरेड कुशनर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट अपने इजराइल पहुंचने की जानकारी दी है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। 4 महीने बाद भारत लौटी अंजू ने बेटे से की मुलाकात, प्रेमी नसरुल्लाह की बड़ी मुसीबतें। खबर निकलकर सामने आई है कि 4 महीने पहले भारत से पाकिस्तान जाने पर चर्चा में आई अंजू की आखिरकार अपने बेटे से मुलाकात हो ही गई। भिवाड़ी की अंजू ने अपने 2 बच्चों और पति को छोड़कर नसरुल्लाह से मिलने इस साल जुलाई पाकिस्तान चली गई थी। पाकिस्तान जाने के बाद अंजू ने अपने बच्चों से मिलने की इच्छा जताई थी और कहा था कि उसे अपने बच्चों की याद आ रही है। बता दें कि अंजू ने पाकिस्तान में 4 महीने से ज्यादा का समय गुजारा है, जिसके बाद वह 29 नवंबर को भारत लौटी। भारत आने के बाद उसने अपने बच्चों से मिलने की इच्छा जताई थी और अपने पति से बच्चों का मुंह दिखाने की बात भी कही थी, लेकिन 20 दिन तक अंजू बच्चों से मिलने में कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन आखिरकार उसकी अपने बेटे एरोन से मुलाकात हो ही गई। मिली जानकारी के अनुसार उसने बताया है कि वह अपने बेटे एरोन से मिली और वह उससे मिलकर बेहद खुश हुई। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को फिर भेजा समन, दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा है मामला। दरअसल दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से ईडी ने शुक्रवार यानी 22 दिसंबर को समन भेजा। ईडी ने केजरीवाल को भेजे तीसरे समन में सवाल जवाब करने के लिए 3 जनवरी को बुलाया है। ईडी ने इससे पहले सोमवार यानी 18 दिसंबर को सीएम केजरीवाल को दूसरा समन जारी किया था और कहा था कि 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए पेश हों। इस समन को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने राजनीति से प्रेरित करार दिया। ईडी ने ये समन ऐसे समय में जारी किया था जब वो 20 दिसंबर को विपश्यना के लिए रवाना होने वाले थे। इससे पहले केंद्रीय एजेंसी ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को समन भेजा था, लेकिन नोटिस को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। संजय सिंह को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उन्हें जमानत देने से भी इनकार कर दिया है। मनीष सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह को भी जमानत नहीं मिली। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका भी खारिज कर दी थी। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। 370 हटाने का जश्न मना रही बीजेपी, कौन करेगा जवानों की रक्षा? पुंछ आतंकी हमले पर संजय राउत ने मोदी सरकार से पूछा सवाल। खबर निकलकर सामने आई है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया है। हमले में 2 जवान घायल भी हुए हैं। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों की तलाश जारी है। इस आतंकी हमले को लेकर संजय राउत ने मोदी सरकार से सवाल भी पूछा है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर शिवसेना सांसद राउत ने कहा है कि ये बहुत गंभीर विषय है। यहाँ संसद में लोग घुसकर हमला करते हैं, उन्हें उसकी खबर नहीं है। वहीं कश्मीर में आतंकी घुसकर हमारे जवानों पर भी हमला करते हैं, उन्हें उसकी भी खबर नहीं है। कल का हमला पुलवामा हमले की पुनरावृत्ति भी हो सकता है। 370 हटाने का जश्न मना रहे जवानों की रक्षा कौन करेगा पर भी हमला करते हैं, उन्हें उसकी भी खबर नहीं है। कल का हमला पुलवामा हमले की पुनरावृत्ति भी हो सकता है।
370 हटाने का जश्न मना रहे जवानों की रक्षा कौन करेगा।